तो जी हाँ दोस्तों, पेड आईडी और रजिस्टर्ड आईडियों को लेकर के बहुत सारे थोड़े से कन्फ्यूजन्स हैं, खासकर जो न्यू फाउंडर आते हैं उनके लिए, और कुछ पुराने जो फाउंडर हैं उन्हें भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि रजिस्टर्ड आईडियाँ और जो है हमारी पेड आईडियाँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो पेड आईडियाँ हैं जो हमारे जो दिखा रहा होता है टोटल फाउंडर्स में, तो वो पेड आईडियाँ या वो रजिस्टर्ड आईडियाँ होती हैं। उनके दिमाग में ये डाउट होता है ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड आईडियाँ हैं, और कईयों को ये डाउट होता है कि जो पेड आईडियाँ हैं वो पेड नहीं रजिस्टर्ड बताता, रजिस्टर्ड नहीं पेड बताता। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो इसको लेकर के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ ज़ुबैर जाफ़री और इस वक्त आप मेरे चैनल पर हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो ऑन पैसिव की और जो भी जानकारी हो वो सबसे पहले आपको मिले। तो जी हाँ दोस्तों, हम इसी के रिगार्डिंग आज बात करते हैं, क्योंकि ये नए लोग हमारे आज मान के चलिए कम से कम एवरेजन 2500 से 3000 फाउंडर रोज नए ऑन पैसिव में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कई लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि यार ये 2500 से 3000 सिर्फ रजिस्टर्ड हो रहे हैं या फिर जो है मतलब इसकी आइडिया पैड भी हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए दो ऑप्शन आते हैं जब आप gofounder.net की साइट खोलेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही खोलेंगे आईडी खोलेंगे gofounder.net की, तो जो वहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं टोटल फाउंडर का, तो टोटल फाउंडर का जो ऑप्शन होता है एक वो होता है, और दूसरा आप देख रहे होंगे जैसे कि हमारे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक लाइक का आता है कि फलानी कंट्री से ये बंदा आया, फलानी कंट्री से ये आया। तो ये क्या होता है? तो ये दो तीन चीज़ें जो है थोड़ी सी जो है नए फाउंडर को कन्फ्यूज करती हैं कि असल में हो क्या रहा है। जैसा कि मान के चलिए कोई बंदा जैसे ही रजिस्टर्ड होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे एक थंबनेल ऐसा थंब करके आता है कि बोले यस अब आप रजिस्टर्ड हो गए। तो कई लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो जो ऐसा थंबनेल आया इसका मतलब है कि वो आईडी जो है पेड हो गई है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं आपको यहां से थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर देता हूं। तो कई लोग बोलेंगे यार सर ये चीजें तो हमको पता है, आप हमको क्यों बता रहे हो, हम तो सब जानते हैं। तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों, आप जानते हो, आप एक्टिव फाउंडर हो इसीलिए, लेकिन हमारे पास फिर से मैं बता रहा हूं क्योंकि नए फाउंडर रोज नए आ रहे हैं, 2500-3000 जो फाउंडर इसके अंदर जुड़ रहे हैं और कुछ बहुत सारे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो हम उनके लिए बनाते हैं ताकि वो अब फ्यूचर में जब भी उनकी भी टीम बने या उनका टीम जब बड़ा हो तो उन्हें भी ये नॉलेज दूसरे अपने लोगों को शेयर करने में आ जाए। तो दोस्तों अब आपको यहां मैं बता देता हूं कि देखिए जो आप थम देखते हैं, जैसे आप कोई बंदा जैसे ही होता है और वहां पर एक ऑप्शन देते हैं ये फलाना इंडिया से आया, ये यूएसए से आया, ये यूके से आया, या कोई सी भी कंट्री से आया, तो वहां पर उसका कंट्री का जो है लोगो बना होता है, उसका जो फ्लैग का वो, और वहां पर एक ऐसा बटन आता है। तो ये क्या चीज होती है दोस्तों? ये जो आता है वो असल में होता है रजिस्टर्ड का, राइट? वो रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब कि वो बंदा रजिस्टर्ड हुआ है आपके साथ में, उसका ये आता है, मतलब वो पैड नहीं किया है। लेकिन आप जो देख रहे हैं यहां पे टोटल फाउंडर का जो ऑप्शन आता है, टोटल फाउंडर असल में होता है वो होता है जिन्होंने आईडी अपनी पैड कर दी है। ध्यान दीजिएगा, जो आईडी अपनी पैड करेगा मतलब जो पैड का फाउंडर होता है वो कहलाता है टोटल फाउंडर में गिनती में आता है। जैसे आप 7 लाख जो भी देख रहे हैं तो ये आ रहे हैं आपके पैड फाउंडर में, और जो खाली आपका जैसे आप देख रहे हैं थंब आ रहा है उसमें जो ऐसे बना हुआ आ रहा है यस ये आ चुके हैं, तो ये सिर्फ जो है रजिस्टर्ड हुआ है। अगर हम रजिस्टर्ड आईडियों की बात करें ना ऑन पैसिव में, तो करोड़ों आईडियां रजिस्टर्ड हैं इसके अंदर। ध्यान दीजिएगा, करोड़ों, यहां लाखों नहीं बल्कि करोड़ों आईडियां रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें पेड फाउंडर की, तो जो आप देख रहे हैं टोटल फाउंडर, ये असल में पेड फाउंडर यही है, और बाकी के जो आपको दिखा रहा है सिर्फ रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑलरेडी जो है यहाँ पर बहुत सारा जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑन पैसे में, करोड़ों रजिस्ट्रेशन पहले 2-2.5 साल में हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर में आज नहीं कल नहीं तो परसों ये बहुत सारे जो है पेड भी होने वाले हैं। और हम देख रहे हैं कि कहीं अभी पुराने फाउंडर हैं जो जिनकी आईडिया पुरानी जो थी अभी वो भी जब धीरे धीरे पेड होने लगी हैं, क्योंकि जैसे जैसे सॉफ्ट लॉन्च की प्रोसेस आएगी तो यहाँ पर ज्वाइनिंग का रेशो और बढ़ने वाला है, लोग और ज़्यादा आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों फिर से हम बोलेंगे किसी को ज़बरदस्ती लाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इच्छा से जो आएगा, जो दिल से होगा वही सबसे बेहतर होगा। तो जो दिल से जुड़े तो उसे बिल्कुल लाइए, लेकिन अगर इसमें किसी को जबरदस्ती भी लाते हैं तो दोस्तों उसका बहुत फायदा होने वाला है। तो यहां पर आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा जो भी नए लोग आएंगे। तो ये आपको आज थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने क्लियर किया है कि देखिए फिर से बता दूं कि जो आप देख रहे हैं जो नीचे बार बार आता है फलाने कंट्री से, तो ये रजिस्टर्ड आईडी है, और जो टोटल फाउंडर बता रहा है वो असल में है पेड फाउंडर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक करिए, चैनल को